गरम हो दो रोटी दे देगी, फिर नाम ना देगी, फिर देगी आज 9 बजे 10 बजे में कैसे रहेंगे आप? अब घर ना जाओगे? घर ना जाओगे? ना जानवर सब हमारे मेरी कहानी जो हम मुझे कोई नहीं लगा टूट गया और जो जो जैसे नहीं लग रहे हुआ तो मुझे तो बुढ़िया कैसी मेरी चुगली करेगी और बढ़िया था वहाँ भरे बात वहाँ मुझे तो बुढ़िया कैसी कब की आई हुई है उनके ढोरे लिए करेंगे आ जाए खबा के आ गए दे दीजिए मैंने बहुत अच्छा लगता अब बेटा दे रहा ना अब वो भी सही ना आ जाए दो बेटा चले गए जवान मैंने घर दी तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है अपने माँ बाप की अपने दादी दादा का ध्यान रखें जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की होती है। आज ये अम्मा जी आश्रम पर आईं इनके बहू बेटों ने इन्हें घर से निकाल दिया वो भी मार के जिनको इन्होंने पाला बड़ा करा पाल पोस कर बड़ा करा अपने मेहनत से इनको पाला। इनके पति ख़त्म हो गए थे लेकिन फिर भी अम्मा ने बताया कि चूरन बेच बेच कर मैंने अपने बच्चों को पाला। आज वही बच्चे इन अम्मा को अनाथ छोड़ कर चले गए। जो माँ बाप हमारे लिए इतना करते हैं क्या हम उनका बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते? उनको दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते? तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी होती है हमारे साथ की होती है। तो साथ दें जो हमें इतना बड़ा कर रहे हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा करा है हमारे लिए सब कुछ करा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप के लिए अपने दादी दादा के लिए वो सब करें जो वो डिज़र्व करते हैं। चाहे हम रोटी ना खाएं लेकिन उनको खिलाएं ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए यही हमारा धर्म है। जो अपने माँ बाप को नहीं खिला पिला सकता जो अपने माँ बाप को ऐसे सड़कों पर छोड़ गया क्या ही इंसान होगा ज़रा सोच कर देखें।